नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। आज हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे टीवीएस की दो बाइक्स अपाचे 162V अपाचे 164V का। सभी बात डिटेल्स में जानेंगे, किसमें आपको पावर ज़्यादा मिलती है, कौन सी वैल्यू फॉर मनी है, किसका क्या प्राइस पड़ेगा, कौन सी आपको लेनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। अपाचे 162V में 159cc का एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो 15 PS जनरेट करता है 8400 RPM पर, 14 Nm टॉर्क जनरेट करता है 7000 RPM पर। इधर अपाची 164V में 164cc का SI4 स्ट्रोक ऑयल कूल इंजन मिलता है जो 19 PS जनरेट करता है 10000 RPM पर, 14 Nm टॉर्क जनरेट करता है 8700 RPM पर। दोनों में ही आपको सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है 5-speed गियरबॉक्स के साथ। तो भाई पावर यहाँ पर 4V में आपको 4 PS ज्यादा मिलेगी, लेकिन टॉर्क दोनों में सेम मिलने वाला है। दोनों ही बाइक्स में आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। अपाचे 2V का वेट है 139 kg, वहीं 4V का वेट है 148 kg। चलते हैं टायर्स और सस्पेंशन की ओर। अपाचे 2V के फ्रंट में 90-90-17 का और रियर में 110-80-17 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। वहीं अपाचे 4V के फ्रंट में 90-90-17 और रियर में 130-70-17 का रेडियल ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। 2V के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स और रियर में मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड शॉक सस्पेंशन मिलते हैं। इधर 4V के फ्रंट में मोनोशॉक और रियर में टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं। बात करें ब्रेकिंग की, 2V में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, पहला फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम, दूसरा डुअल डिस्क ऑप्शन। दोनों ही मॉडल्स में आपको फ्रंट में 270 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में या तो 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा या फिर 240 mm का डिस्क प्लेट मिलेगी। 4V के फ्रंट में आपको 270 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा, यहाँ पर आपको ड्रम का ऑप्शन नहीं मिलता। दोनों ही बाइक्स में आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा जिससे ब्रेकिंग काफी अच्छी हो जाती है। अपाचे 2V की सीट हाइट 790 mm और अपाचे 4V की सीट हाइट 800 mm मिलेगी, यानी 10 mm ऊंची है अपाचे 4V। अपाचे 2V में आपको फ्रंट में हेलोजन हेडलैम्प और इंडिकेटर्स भी हेलोजन मिलते हैं, लेकिन टेल लाइट LED मिल जाती है। इधर 4V में आपको इंडिकेटर हेलोजन मिलेंगे, बाकी हेडलाइट और टेल लाइट आपको LED में मिलेंगी। अपाचे 2V में आपको डिजिटल विद एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, वहीं 4V में आपको फुल्ली डिजिटल मिलेगा। अपाचे 4V के स्पेशल एडिशन वेरिएंट में आपको 3 राइडिंग मोड्स भी मिलते हैं। अपाचे 2V में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि वो एक ओल्ड जनरेशन बाइक है। बात करें माइलेज का, दोनों ही बाइक से आपको सही चलाने पर 40-45 kmpl माइलेज आराम से मिल जाएगा, लेकिन रेस्ट ड्राइविंग करने के बाद 35-40 ही मिल पाएगा। अपाचे 2V का सिंगल डिस्क वेरिएंट एक्स शोरूम प्राइस 108,000 रुपये और ऑन रोड 130,000 रुपये तक मिल जाएगा। वहीं अपाचे 2V का डुअल डिस्क वेरिएंट 111,000 एक्स शोरूम 135,000 रुपये तक ऑन रोड मिल जाएगा। इधर 4V का सिंगल डिस्क ऑन रोड लगभग 140,000 से 142,000 रुपये में मिल जाएगा, वहीं डुअल डिस्क 4V 145,000 से 148,000 के बीच आपको मिल जाएगी। स्पेशल एडिशन जिसमें 3 राइडिंग मोड्स भी आते हैं, ये आपको 140,000 से 148,000 के बीच में मिल जाएगा ऑन रोड। अब आते हैं अंतिम निर्णय पर। अगर आप एक अच्छी परफॉर्मेंस और एडवांस बाइक चाहते हैं तो आपको बिल्कुल अपाची 164V की ओर जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको अपाची 2V से ज्यादा अच्छे टायर मिलते हैं, LED हेडलाइट मिलती है, नई जमाने की टेक्निक मिलती है, 4-valve इंजन मिलता है। अपाचे 2V से 4 PS ज्यादा जनरेट करती है, उसमें आपको एयर कूल इंजन मिलता है, लेकिन इसमें आपको ऑयल कूल इंजन मिलता है। अगर आपका बजट 140,000 से 145,000 है और आप इन दोनों बाइक के बीच में कंफ्यूज हैं, तो आप भैया बिल्कुल आंख बंद करके अपाची 4V खरीद लीजिए। लेकिन अगर आप 4V बजट के इशू या फिर इसका लुक अच्छा ना लगने की वजह से नहीं खरीदना चाहते, तो अपाचे 2V भी काफ़ी अच्छी बाइक है। अपाचे 4V आने के बाद भी उस बाइक की सेल में कमी नहीं आई है, वो आज भी उसी स्पीड से बिक रही है, क्योंकि आज भी मार्केट में लोग उसका लुक ज़्यादा पसंद करते हैं अपाचे 4V से। 2V में आपको एक दो डिसएडवांटेज मिलेंगे, एक तो उसका रियर टायर अच्छा नहीं है, वो खराब मौसम में या फिर हाई स्पीड पे स्केट करता है। एक 60-70 kmph के बाद आपको 2V अपाचे में वाइब्रेशंस बहुत मिलने लगती है। एक उसका हेडलैम्प अच्छे से वर्क नहीं करता नाइट में। बाकी अगर आप इन 2-3 कमियों को नज़रअंदाज करते हैं और नॉर्मल राइडर हैं, तो आपके लिए अपाचे 2V ज़्यादा बेटर रहेगी अपाचे 4V की जगह। लेकिन अगर आप बाइक राइडिंग के शौकीन हैं तो आपको अपाचे 4V ही लेनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ऐसी और जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका सही सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।